नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक चीज बताने वाला हूं कि आप कौन सी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वेबसाइट सिक्योर है या अनसिक्योर है। ये हमारा बहुत जरूरी चीज है क्योंकि बहुत सारे क्राइम होते हैं, क्लोन वेबसाइट बन जाते हैं। मान लीजिए कि आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो एक स्टेट बैंक की या किसी बैंक की क्लोन वेबसाइट बन गई, और क्लोन वेबसाइट बनते ही क्या हो गया कि आपने पेमेंट किया तो आपकी इंटरनेट बैंकिंग की पूरी डिटेल्स या जो भी बैंकिंग के डिटेल्स या जो भी पेमेंट है, वो पेमेंट जिसको जाना चाहिए उसको ना जाके किसी और को चला जाता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कोई वेबसाइट सिक्योर वेबसाइट है या नहीं है। सबसे पहला उसका डोमेन देखिए, जैसे गूगल हमने खोला तो दो चीजें इसमें देखने वाली है। पहली कि HTTPS, S मतलब कि सिक्योर। बहुत सारी वेबसाइट, से मेरी वेबसाइट क्या है कि मैंने SSC ऐसा नहीं है जिसमें S ना लगा है वो वेबसाइट सिक्योर ना हो। जैसे मेरी IPTIndia.com वेबसाइट है तो इसमें मेरे S नहीं लगा हुआ है मेरी वेबसाइट में, क्योंकि वेबसाइट को इसमें आप इसको खोलेंगे तो आपको S नहीं दिखेगा, HTTP ही है। इसका मतलब है कि मेरी वेबसाइट अनसिक्योर है। ए साइट सिक्योरिटी लेवल को पास आउट नहीं किया गया, जैसे कि आप क्यों नहीं किया गया, क्योंकि मेरे वेबसाइट में किसी भी तरह की पेमेंट गेटवे नहीं है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन अगर किसी तरह के पब्लिक डेटा या किसी तरह की गेटवे को, पेमेंट गेटवे और बाकी चीजों की चाहिए, तो आपको अपनी वेबसाइट को सिक्योरिटी लेवल, साइट सिक्योरिटी लेवल को SSL बोलते हैं, पास करना होता है। तो जब भी कोई वेबसाइट खोले तो एक चीज तो यहां पे देखिए, ये दिख रहा है आपको इस तरह का लॉक का सिस्टम लगा हुआ है, लॉक ग्रीन है, इसका मतलब कि ये सिक्योर वेबसाइट है, सिक्योर वेबसाइट है, सिक्योर कनेक्शन दिख रहा है ना आपको। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई वेबसाइट बनाया जिसमें मैंने दिया इंटरनेट स्पीड टेस्ट, मान लीजिए हमने किया, तो ये वेबसाइट दिख रहा है आपको, मैंने इसको खोला तो इस पे देखिए, जो क्रॉस का निशान लग के आ रहा है क्योंकि ये वेबसाइट अनसिक्योर है। ये वेबसाइट क्या है? अनसिक्योर वेबसाइट है। इस पे क्लिक करोगे, कनेक्शन नॉट सिक्योर। तो कभी भी आप अपनी पेमेंट करने से पहले चेक कर ले कि आपकी वेबसाइट की सिक्योरेशंस जो है, सिक्योरिटी जो है, वो सिक्योर है कि नहीं है। जैसे कोई भी अगर बैंक की साइट खोलते हैं या कोई भी पेमेंट का साइट खोलते हैं तो पेमेंट करने से पहले चेक कर लीजिए कि जिस गेटवे पे आप पेमेंट कर रहे हैं वो साइट सिक्योर है या नहीं है सिक्योर। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे वेबसाइट अनसिक्योर होते हैं, लेकिन जैसे पेमेंट पोर्टल पे आप जम करें वहां पे, जैसे कि मेरी वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो मेरी वेबसाइट जो है पेमेंट के लिए, इसके लिए नहीं है, सिक्योर नहीं है। SSL मैंने सिक्योर तो है वेबसाइट मेरी, बट मैंने SSL की सिक्योरिटी पास नहीं करवा रखी है, मेरी अपनी खुद की सिक्योरिटी है। लेकिन जब भी मैं पेमेंट गेटवे जो मैंने ले रखा है, पेमेंट गेटवे से पेमेंट लेता हूँ, और पेमेंट लेने वाले जो गेटवे, जो मेरा थर्ड पार्ट पेमेंट गेटवे है, उनके पास पूरी सिक्योरिटी है, जैसे कि PayU Money। तो आप पेमेंट तो PayU Money से कर रहे हैं तो PayU Money पे देखिए पूरी की पूरी सिक्योरिटी है, वेरीफाइड बाय जियो ट्रस्ट इंक्लूडेड, किसने वेरीफाई कराया है ये भी दिया हुआ है। तो जैसे ही आप पेमेंट और अपने अकाउंट डिटेल फिल करते हैं तो अकाउंट डिटेल फिल करने से पहले ऊपर सिक्योरिटी देख लें कि भाई आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल डाल रहे हैं तो क्या सिक्योर साइट है या अनसिक्योर साइट है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर वेबसाइट अनसिक्योर है, लेकिन पेमेंट जहां पे बात आती है, जहां पे बैंकिंग का बात आता है या कुछ अकाउंटिंग की बात आती है, आपकी अपना कुछ पर्सनल चीजों की बात आती है, तो प्लीज चेक करें सिक्योर है या सिक्योर नहीं है। तो मेरी चैनल को आप इस तरह से सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह से एक्सेल और बाकी कंप्यूटर और बाकी हमारे प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी ही बहुत सारी चीजों के बारे में हम आपके साथ इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे। एक्सेल में या किसी भी तरह की अगर मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो www.iptindia.com पे जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।